अग्रवाल, आज फिर लेके आया हूँ संडे के दिन आपके लिए एक और बढ़िया सी खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है, आज हमारे साथ सुजीत कुमारी जी हैं जो कि बिलासपुर से आते हैं, लगभग 2 महीने से हमारे पास आए, 2.5 महीने हो गए, और इनको काफी साल 15 साल से लगभग एक बैक पेन की प्रॉब्लम थी जो कि बहुत सारे इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुई। और आज हमारी 2 महीने दवाई खाने के बाद लगभग 50% तक कहते हैं फर्क है, बाकी ये अपने मुंह से अपनी जबानी बताएंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और कहां कहां इलाज करा। बताइए सुप्रीम जी। मैंने हमें दवाई थी बुखार में से भी, शिमला से तो आराम नहीं मिला, थोड़ा आराम हुआ फिर दोबारा वही हो और सर्वाइकल कहाँ यहाँ दर्द थी, हाथ नहीं हुए, अब थोड़ा कर गया और पेट में भी दर्द, अब उसमें भी आराम है थोड़ा। और पीठ दर्द एक नॉर्मल सी इशू है जो कि हर एक हाउस होल्ड फीमेल को होती है, गर्मी लेडीज झुक के काम करती हैं, दर्द होता है और उससे निजात ना पा पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि काम तो करना छोड़ नहीं पाएंगे हम, काम भी करना जरूरी है और पीठ दर्द के साथ जी रहे हैं 15 साल से आपके। एलोपैथिक इलाज बहुत कराते हैं हम, मगर वो क्या है, सिर्फ पेन किलर से आपको घर भर देते हैं कि पेन किलर खाओ और जी जाओ। पेन किलर अल्टीमेटली करेगी क्या आप बताइए, आप कुछ सोचिए इस बारे में कि एक बार वो पेन तो किल कर देगी, पेन ठीक कर देगी, मगर क्या वो परमानेंटली आपकी बैक पेन को ठीक कर पाएगी, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता, कमेंट में आंसर जरूर करिएगा कि क्या पेन किलर परमानेंटली पेन को ठीक कर पाएगी। अब जैसे कि इन्होंने बहुत सारी जगह इलाज कराया और 2 महीने में काफी फर्क 50% से ज्यादा फर्क इनको लग रहा है और आज भी ये दवाई लेके जा रही है, तो कहना ये चाहूंगा आयुर्वेदिक दवाई में इन बहुत ही कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो पेट को भी ठीक करती थी कि इन्होंने क्या कहा, पेट में भी दर्द पीठ में भी दर्द दोनों चीजें लिंक्ड हैं, पेट में दर्द के कारण पीट दर्द होती है और पीठ दर्द के कारण पेट दर्द होता है, पीठ दर्द के कारण पेट दर्द क्यों होता है जब आप पेन किलर करते हो। पेन किलर कितनी खाई मैडम ये बताओ? बहुत पेन किलर खाई और इतनी पेन किलर खाने के बाद किडनीज का क्या हाल होगा, एसिडिटी अलग से बनती है और पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी पेट दर्द भी ठीक है, पीठ दर्द में भी आराम है, दर्दों में आराम है और शरीर में ताकत भी है, नीचे झुक के काम भी कर सकते हैं, कर पा रहे हैं नीचे झुक के काम, हाँ थोड़ा काम अब नीचे झुक के भी कर पाते हैं, तो ये है दोस्तों आयुर्वेद की ताकत। समझाना ये चाहूंगा इस वीडियो से कि आप लोग सब समझें और अपना इलाज आयुर्वेदिक तरीके से जितना पॉसिबल है वो कराएं, चाहे वो दर्द हो, हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, कुछ भी आयुर्वेद को अपनाएं, घर घर आयुर्वेद पहुंचा लें, अपने लिए आपका अपना आयुर्वेद है दोस्तों। तो इसके साथ फिर मिलता हूं अगले महीने, फिर लेके आऊंगा इनकी टेस्टिंग और बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ा, तब तक के लिए रहा।